आइए सबसे पहले इन दोनों वर्ड के साउंड की बात कर लें। इन दोनों वर्ड का साउंड होता है पेयर, जबकि इन दोनों वर्ड का स्पेलिंग अलग अलग है और इसका मीनिंग भी अलग अलग होता है। अगर हम बात पहले वर्ड की करें जिसका स्पेलिंग है PAIR, तो इस वर्ड का मीनिंग होता है जोड़ा। लेकिन आपको यहाँ याद रखना चाहिए कि कोई चीज जोड़ा है उसके लिए हम पेयर का इस्तेमाल तब कर जब दोनों एक ही शक्ल के हों, यानी दोनों एक ही सूरत के हों। जैसे मान लीजिए अगर आपने दो टी शर्ट खरीदा और दोनों हूबहू एक ही जैसा है, तो यहाँ आप जोड़ा के लिए बोलेंगे पेयर। बाय द वे, अगर वो दोनों एक जैसे नहीं हैं, अलग अलग हैं, जैसे कि इंसानों का जोड़ा या कोई भी ऐसा जोड़ा जो दिखने में एक जैसे नहीं है बल्कि अलग अलग है, तो यहाँ पर हम कपल का इस्तेमाल करते हैं। चूंकि आज के इस वीडियो में हम सीख रहे हैं पेयर, उम्मीद करता हूँ कि आप पेयर और कपल को लेकर कंफ्यूज नहीं हैं। तो अगर हम वर्ड पेयर की बात करें जिसका स्पेलिंग था PAIR, तो इस वर्ड का मीनिंग हुआ जोड़ा। जैसे एक जोड़ा मोजा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे अ पेयर ऑफ सॉक्स। एक जोड़ा जूता, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे अ पेयर ऑफ शूज। एक जोड़ा शर्ट, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे अ पेयर ऑफ शर्ट्स। मेरे पास एक जोड़ा मोबाइल है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैव अ पेयर ऑफ मोबाइल्स, यानी मेरे पास एक जोड़ा मोबाइल है। यहाँ मैंने जोड़ा के लिए बोला पेयर, क्योंकि मेरा मोबाइल दोनों एक ही जैसा है, यानी दोनों दिखने में बिल्कुल सेम है, उन दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। मेरे पास एक जोड़ा जूता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैव अ पेयर ऑफ शूज। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने पहला वर्ड समझा कि वर्ड पेयर का मतलब होता है जोड़ा। अगर हम बात दूसरे वर्ड की करें जो है पेयर और जिसका स्पेलिंग है PAIR, तो इस वर्ड का मीनिंग होता है कम करना। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो अपनी उंगलियों के नाखून को कम करो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे पेयर योर फिंगर नेल्स, यानी अपनी उंगलियों के नाखून को कम करो। अगर आपको कहना हो अपने बाल को छोटा करो या अपने बाल को कम करो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे पेयर योर हेयर। अगर आपको कहना हो अपनी खुराक को कम करो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे पेयर योर डाइट, यानी अपनी खुराक को कम करो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने पेयर जिसका स्पेलिंग है PAIR का मीनिंग समझा, किसी चीज को कम करना या छोटा करना या घटा देना। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ इन दोनों वर्ड्स को लेकर अब आप कंफ्यूज नहीं हैं।